हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं आपके पास एक बार फिर हाजिर, आपके खिदमत के लिए हाजिर हूँ। और मैं आप जो है ये प्रयोक्ता दर्पण का जुलाई का है असमरियत तथ्य है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि नेक्स्ट एग्जाम में बहुत ही चांसेस होते हैं कि इससे पूछे जाते हैं। और कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को हल करते जाएँ कि नेक्स्ट एग्जाम में हमारा वो सहायक हो। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपना शुरुआत करता हूँ। जो हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले, नीचे बेल आइकन घंटी है प्रेस करें, और प्रेस कराने पर मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। केरल मई, पहला सवाल है, केरल मई 2018 में किस वायरस के कारण अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी? तो वायरस का नाम था निपा वायरस। क्या वायरस नाम था? वो निपा वायरस था। केरल के कोझिकोड यू मल्लुपुरम में इलाज वायरस निपा का प्रकोप हुआ, जिसके कारण अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इसका नामकरण मलेशिया के एक गांव सुगही निपाह, कौन सा गांव है मलेशिया का? सुगही निपाह, जहां सुअर पालने वाले व्यक्तियों को 1999 में पाया गया था के नाम से हुआ। ये फल खाने वाले चमगादड़ व सुअर से मनुष्य में फैलता है। इससे पूर्व में भारत और पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी 2001 में, वो नदियाँ 2007 में तबाही मचा चुकी हैं। बांग्लादेश में ये 2001-2015 तक प्रायः प्रतिवर्ष सक्रिय रहा है। दूसरी सवाल है, भारत की किस पोत पहली बार छह महिला नाविक भ्रमण सफलतापूर्वक मई 2018 को पूरा किया गया था? तो आई एन एस बी तारणी से सभी महिला नाविक, जिसमें वार्तिका जोशी, कप्तान प्रतिभा जयमाल, पी स्वाति और एसपी विजय देवी, बी ऐश्वर्या राय, पायल गुप्त, 254 दिन भी से भ्रमण किया गया था। ये दल 10 सितंबर 2017 को गोवा में रवाना हुआ था तथा 21 मई 2018 को गोवा में वापस आया था। इस भ्रमण के भ्रमण यात्रा नावी सागर परिक्रमा नाम दिया गया था। भारत में तीसरा सवाल है, भारत में एशिया की सबसे बड़ी सड़क टनल निर्माण का शिलान्यास 19 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, कौन सा सड़क था? तो जोजिला टनल भारत के जम्मू कश्मीर श्रीनगर से लद्दाख जोड़ने के लिए 14.2 किलोमीटर दोनों दिशाओं को आने जाने के लिए जोजिला टनल का निर्माण करने के लिए 19 मई 2018 को शिलान्यास लेह जोजिला ने किया है। इस परियोजना का निर्माण में 68.9 करोड़ खर्च होंगे। कर्नाटक में राजनीतिक उथल पुथल के किस व्यक्ति ने अंततः 23 मई 2018 को मुख्यमंत्री पद संभाला? एडी कुमार स्वामी। पांचवा सवाल है, कांग्रेस ने किस संसद सदस्य को पुनः दूसरे कार्य के लिए संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को 1 मई 2017 को पहली बार एक वर्ष के संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन्हें 1 मई 2018 को पुनः एक वर्ष के लिए और इसी पद पर नियुक्त कर दिया गया था। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा के तथा 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। इसका कार्यकाल सार्वजनिक लेखा का परीक्षा करना होता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 11 मई 2018 के साहित्यकार को बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो विजय वर्मा को किया गया था। अमेरिका के किस रिटेल मार्केटिंग कंपनी ने भारत में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट से हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा 2018 में की थी? वॉलमार्ट ने की थी। वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट 77% हिस्सेदारी $16 अरब में खरीदने की घोषणा 9 मई 2018 को वैज्ञानिक औपचारिक पूरी करने के बाद अधिग्रहण पूरा हो जाएगा। वॉलमार्ट बेस्ट प्राइस नाम से भी भारत के कैश एंड कैरी स्टोर संचालित करता है। भारतीय सेना ने राजस्थान में आधुनिक उपकरणों हथियार के साथ किस नाम से अप्रैल 2018 को युद्धाभ्यास किया था? विजय प्रहार। भविष्य में किसी युद्ध में स्थित रासायनिक व परमाणु हथियार का सामना करने के लिए भारतीय थल सेना ने न्यूक्लियर प्रोटेक्शन कपड़े पहनकर दागेस्तान युद्धाभ्यास किया, इस विजय प्रहार का नाम दिया गया। बिहार के राज्य की विधान परिषद वहाँ किस पूर्व महिला के मुख्यमंत्री 2018 के विपक्ष के नेता का दर्ज प्रदान किया गया था? तो राबड़ी देवी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का विधान परिषद मान्यता प्राप्त दल
कि नेता 12 मई को नियुक्त किया गया है। इसके लिए सदन की कुल सदस्य संख्या 10% सबसे बड़ी विपक्षी दल के पास होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय जनता दल को यह जानिवार 7 मई को प्राप्त हुआ। भारत के किस राजनेता अमरीकी पत्रिका फोर्ब्स विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में 2018 सूची में 9वां स्थान प्रदान किया था? तो नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं। अमेरिका के हवाई द्वीप हवाई आइसलैंड पर कौन से ज्वालामुखी मई 2018 को प्रथम सप्ताह में भूकंप के बाद सक्रिय हुआ? किलुई ज्वालामुखी जो है हवाई द्वीप किलुई ज्वालामुखी के सक्र होने के लिए निरंतर गैस और लावा निकल रहा है, जो कि धीरे धीरे हवाई द्वीप के वादी वाले क्षेत्रों में फैलता जा रहा है। इस विशाल लावा समुद्र से पानी गिरने से जहरीले गैस बादल उठने की संभावना है। वेनेजुएला मई 2018 को संपन्न राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन में कौन सी विजयी रहा? तो निकोलस मादोर। चीन के किस सैटेलाइट को चंद्रमा के डार्क साइड के अध्ययन करने के लिए मई 2018 सफलतापूर्वक प्रेषित किया? कुई काऊ। चाइना के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट द्वारा प्रक्षेपण केंद्र सियाओचुन 21 मई 2018 को क्विकोट सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया था। यह सैटेलाइट चंद्रमा पृथ्वी से न दिखने वाली साइट अध्ययन करेगा। ये चीन डार्क साइट अगले वर्ष एक अंतरिक्ष यान उतारेगी योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल यात्रा के दौरान 11 मई 2018 को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ भारत कहाँ के लिए नेपाल जनकपुर से सीधी बस सेवा का प्रारंभ किया? तो नेपाल से जनकपुर के लिए सीधी बस सेवा प्रारंभ किया गया। तो अयोध्या भगवान राम जन्म का स्थान अयोध्या, सीता माता जन्म स्थान जनकपुर के मध्य सीधी बस सेवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केपी शर्मा ओली ने प्रारंभ में दोनों प्रधानमंत्रियों 9000 मेगावाट जल विद्युत परियोजना और का भी शिलान्यास किया। अमेरिका के फोर्ब्स पत्रिका द्वारा मई 2018 को जारी 20 के 75 शब्दशाली व्यक्तियों का प्रथम स्थान किसका है? तो सी जिनपिंग का है। वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक आयु 92 वर्ष के मलेशिया के कौन प्रधानमंत्री हैं? तो महाथिर मोहम्मद। पोलैंड के किस महिला लेखक अनुवादित फिक्शन के लिए मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज देने के लिए घोषणा की 2018? ओल्गा टोरकार्जुक। दक्षिण अफ्रीका किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का संन्यास लेने की घोषणा की गई? तो ए डी बी बिलियर्स। स्मरणीय तथ्य भारतीय इतिहास और संस्कृति। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान रजिया सुल्तान की पुत्री थी। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। वो किसके पश्चात दिल्ली के सुल्तान बनी थी? तो किसके पश्चात बनी थी? रुकनुद्दीन के बाद। बाबर का प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली के सल्तनत की गद्दी पर कौन था? तो इब्राहिम लोदी थे। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। वैदिक साहित्य में अर्थवेद को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मवेद। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृष का कुलहीन कहा गया? तो मुद्रा राक्षस में। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में वित्तिस्ता नदी के किनारे श्रीनगर का नामक नगर की स्थापना की गई थी? तो रजंत रंगड़ी से। कैप्टन हॉकिंस ने सर थॉमस रॉ किस मुगल शासन के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई थी? जहांगीर के संबंध में। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुख किन 4 वर्गों में विभक्त हैं? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? सिंधु काल की लिपि है। विज्ञानवाद का प्रमुख आचार्य कौन है? मित्रनाथ, असंग, यू, वसुबंध।
चोल पंडुओं और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? संगम साहित्य से। और देते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन से किया गया था? तो अनुमोदन जो किया गया था 1920 नागपुर अधिवेशन से। रोलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919 में हुई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? देश शासन प्रणाली लागू करना। कम्युनल अवार्ड किसे किस समझौता को कहा जाता है? तो पूना पैट को कहा जाता है। किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय अस्वीकार किया था? तो करौली अस्वीकार किया था। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेज कमान का प्रधान कौन था? मेजर जनरल विलियम हैबिट। किस मुस्लिम समाज सुधारक अंग्रेज नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी? तो सर सैयद अहमद खां को। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। सूरसेन ने क्रांतिकारियों को किस योजना के नेतृत्व किया गया था? तो चिट्टगांव आर्म्स डकैती का। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्याम किस वर्मा ने। समानता सरकार ने सबसे ज़्यादा दिन चलाने वाली सरकार को कहा था? 17। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के संविधान तद्विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? आर्टिकल 356। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? आर्टिकल 307। भारतीय संविधान पर भारत किस प्रकार शासन व्यवस्था करता है? तो न्यायिक करता है। भारतीय संविधान किस प्रकार के अधिकारों को समाविष्ट किया गया? तो मूल अधिकारों को। मूल संविधान में राज्यों के कितने वर्गों को रखा गया? 4। मूल संविधान राज्यों की संख्या कितनी है? 29। 31वें संवैधानिक सलाहकार संशोधन अधिनियम लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 545। भारतीय लोक प्रशासन की स्थापना कब हुई? 1954। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ है? हैदराबाद में। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 552। भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956। भाषाई के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। मूल संविधान के राज्य के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने वाले अध्यक्षता के राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? फजल अली आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 ईस्वी में। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान करता है? एकल। भारतीय संविधान किस प्रकार के मताधिकार की व्यवस्था करता है? वयस्क। वर्तमान लोकसभा में कितने सदस्य हैं? राज्य की जनता के द्वारा निर्वाचित हुए? तो 543। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रीय लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को जो अनुवाचित करता है? 13। संसद किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अतिरिक्त सभी संसद को। संसद के दोनों सदनों को सत्रवासन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के संसद भवनों का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1927 में। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिसुख संसद का गठन कब हुआ था? 1989 में। भारतीय संविधान के अनुसार संघ के कार्यपाल का सख्त किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। भारत में विश्व का भूगोल। कलहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजातियों का क्या नाम है? बुरुसमैन नाम है। सरदार सरोवर परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका अंतर्गत कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? पहले गुजरात है, दूसरा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। मछली के उत्पादन के दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रैंड बैंक ऑफ डागर बैंक कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में है। दाची ग्राम वन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर में कश्मीरी मृग के लिए। गिरवन कहाँ पाया जाता है? ये किस पशु का अभ्यारण्य है? ये गुजरात जिला जूनागढ़ शहर में अभ्यारण्य है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लाइब्रोडर की ठंडी जलधारा को मिलन स्थान कौन सा है? नाफाउंडलैंड। पेरू तट के पास उत्तर में दक्षिण से दिशा प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा को क्या कहलाता है? अलिनो। कैरिबियन सागर बेकफिन खाड़ी सार्सन खाड़ी में इसको खाड़ी क्वालिटी सागर किस सीमा से? तो अटलांटिक महासागर से है। रेगुर मिट्टी की प्राप्त किससे होती है? लावा से होती है। शावना तुल घास के क्षेत्र में वेनेजुएला और कोलंबिया तथा ब्राजील क्या क्या है? लानोज कंपोज। अब देखते हैं पर्यावरण जैव विविधता। राजीव गांधी
पर्यावरण पुरस्कार के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है, तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास के लिए वायु प्रदूषण रोकने के लिए प्रयुक्त वृक्ष है अशोक। किस फसल के लिए नील हरित शैवाल मुख्यतः जो उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? धान। कौन सी पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? तो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है ओस्लो। वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिशत बढ़ाने पर कौन सी घटना घटित होता है? तापमान में वृद्धि होगी। ग्लोबल 5000 पुरस्कार किसे दिया? पर्यावरण प्रत्यक्ष हेतु। कौन सा ओजोन पत्र रिक्तिकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो नाइट्रेट ऑक्साइड। परिस्थितिक तंत्र को में तंत्र में उत्तम पोषण स्तर प्राप्त हुआ सर्वहारी को? वर्ल्ड वाइल्ड फंड के प्रति कौन सा है? तो जनता पाइडर। जलवायु परिवर्तन। उष्णकटिबंधीय तूफान हुदहुद किस वर्ष आया था? 2014। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाले विश्व का पहला देश कौन सा? नॉर्वे। कहरा मिश्र के जलवायु क्षेत्र में स्थित है, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में। प्रथम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP शुभारंभ किया गया था 1 जून 2016 को। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में काल सूखे के लिए जिम्मेवार पवन में संबंधित प्रमुख पर्यटन क्या है? ग्रीष्मकाल की व्यापारिक पवन का ध्रुव की ओर स्थानित होना। वो कौन सा दर्रा है जिसने उत्तरी लंका दक्षिणी श्रीलंका के पृथक किया गया? एलिफेंट दर्रा। रीफ फ्लेरी क्रास किस समुद्र से स्थित है? तो जास्सी चीन से सागर से है। एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश से है? तो पेरू से है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण संघ IUCN द्वारा जुलाई 2016 किस जीव विलुप्त प्राय श्रेणी में घोषित किया गया है? बार्नियन ओरंग गुटान ने। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति का भाग रूप में भारत का सरकार वर्ष 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा संस्थापित क्षमता को कहाँ तक बढ़ाने की योजना है? 350 मेगावाट। भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। भारत में लीड बैंक योजना का प्रारंभ की गई थी 1969 में। विश्व बैंक को उधार ऋण प्रदान करने के लिए खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ AIDA को। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1956 द्वारा किसने न्यूनतम व्यवस्था को लागू किया था? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडियन पुस्तक लेखक कौन थे? GRT टाटा। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 20 मार्च 1950। देश के प्रथम डिपॉजिटरी द नेशन सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड की स्थापना मुंबई किस वर्ष हुई थी? 8 अगस्त 1996। 1956 औद्योगिक नीति ABUC 3 वर्गों में उद्योगों को वर्गीकृत किया गया। कौन सा सार्वजनिक वर्ग और निजी क्षेत्रों के लिए था? सी। आधारिक संरचना वित्त कंपनी IDFC का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। GST के अंतर्गत माल में वर्गीकरण करने का प्रयुक्त कोड है HSN। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकोबोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है? तो गंधक के अम्ल से। यदि चुंबकीय ध्रुवों के बीच सख्त दूरी दुगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना बढ़ जाएगा? चौगुना बढ़ जाएगा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 किस अंतरिक्ष यान गए थे? तो C2T2। केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान से सिजराई कहाँ से स्थित है? तो जोधपुर में है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अपसरय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम नहीं। संयुक्त रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या हो? रोगों का रक्षा करना। रक्त स्पंदन की कौन से विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के। पास्कल मात्रक में वायुमंडल का दाब कितना होता है? 10^5 पास्कल। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो कोशिकाओं का द्रव होता है। किससे हटाइए? खेलकूद। फ्री किक ड्रिबल ऑफ साइड शब्द वाली किन खेलों से जुड़ी है? फुटबॉल से। किस खेल से राजीव गांधी गोल्ड कप का प्रसिद्ध सबसे संबंधित है? कप से फुटबॉल से संबंधित है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अब तक किसी भी विकेट की ये सर्वाधिक रन 576 की साझेदारी किस के बीच में हुई है? शरद जयसूर्या तथा रोशन महानामा श्रीलंका से।
कैचर शब्द किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल से है। कैरम की पहली बार अर्जुन पुरस्कार किसने मान्यता प्रदान की गई थी? तो एंथनी मरिया यूरोपम ने। लक्ष्मी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ से थे? ग्वालियर में है। नो ट्रम्प शब्द किस खेल से संबंधित है? ब्रिज से है। इप्सन स्टेडियम कहाँ है? इंग्लैंड है। फार्मूला सेकंड किस खेल से संबंधित है? रेसिंग से। डर्बी घोड़दौड़ प्रतियोगिता एक दौड़ की दूरी का 1.5 मीटर है। कंप्यूटर का ज्ञान किस प्रिंटिंग हैंड और कागज का संपर्क होता है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर। किससे? इम्पैक्ट प्रिंटर से। किस प्रिंटर का द्वारा एक स्ट्राइक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या होता है? इनपुट करना होता है। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस होता है? तो इनपुट होता है। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? माउस पैड। कंप्यूटर तथा मानव संपर्क में किसके द्वारा होता है? इनपुट और आउटपुट द्वारा। माउस जैसा कार्य कौन करता है? ट्रैक बॉल। कंप्यूटर के कीबोर्ड का प्रयोग होने वाले फंक्शन की संख्या क्या है? 12। कौन सी उत्तम गुणवत्ता आउटपुट प्रदान करता है? प्लास्टर। और ऑपरेटर द्वारा की गई कंप्यूटर किस विभाग से देखा जाता है? कंप्यूटर PDO से। विभेद। लक्षद्वीप के अधिकांश निवासी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मलयालम। भारत की प्रथम रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच गुजरी? मुंबई और थाने के बीच। पाणिनि के अस्त्रधारी किस विश्वविख्यात ग्रंथ है संस्कृति व्याकरण की? रागमल चित्तकारी। जो कौन सा राग समानता बदलों को गृह आकार द्वारा चित्र का किया जाता है? तो मेघा मल्हार। हिंदी कवि साहित्य सूर्यकांत त्रिपाठी ने अपनी रचनाओं में किस उपनाम का उपयोग किया गया है? निराला। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप है रिवर आइसलैंड। मर्चेंट ऑफ वेनिस कृत विलियम शेक्सपियर। ध्रुव सोमनी किस नाटककार का पत्र था? जयशंकर प्रसाद। गोविंदा अब क्या देर है प्राण के समय जत तला। ये पंक्त मैथिली सरल गुप्त किस किस्मत था? जयदर्थ वध में। यूनिक जे का क्या है? यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय ध्वज है। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ब्रिटेन के आधिपत्य से स्वतंत्र हुआ था? तो 1783 में। सम्राट हर्षवर्धन की दरबारी कवि की कादंबरी के लेखक थे बड़ भट्ट थे। किस देश ने फाल्गुन गोंगा समुदाय को प्रतिबंधित किया? चीन। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाला प्रथम महिला कौन था? तो अमिता प्रीतम थे। प्रथम भारत के न्यूक्लियर रिसर्च सेक्टर का नाम क्या था? अप्सरा। स्थानीय भाषाओं में सबसे अधिक बिकने वाले अखबार कौन सा है? मलयालम मनोरमा केरला। किसने कहा बुद्धिमान व्यक्ति के पीछे 1% प्रेरणा और 99% मेहनत होती है? थॉमस अल्वा एडिसन। किसने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति के पीछे 1% प्रेरणा और 99% मेहनत होती है? थॉमस अल्वा एडिसन। प्रायद्वीप बीटू लीप किस देश का भाग है? फिजी। एस्ट्रोफ्रेजेटिक जोनिक जो कि सुनाई बीमार से ग्रस्त हो संक्रमितों का दान प्रदान कैपिटल द्वारा किया जाता है? स्टीफन हॉकिंग। बच्चों में प्रसिद्ध राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार रचयिता थे एन ओ जेन टेलर। दो अंग्रेज बहनों ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाद्य यंत्र को बजाते थे? शहनाई। सूर्य प्रकाश का कौन सा भाग सोलर कुर्क में गर्म करता है? इन्फ्रारेड। किस महान खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल के दिवस के रूप मनाया जाता है? ध्यानचंद। संविधान धर्म निरपेक्ष शब्द किससे संबंधित है? 42वें संविधान। भारत में वायुसेना मुख्यालय कहाँ से? नई दिल्ली में है। आसाम राइफल मुख्यालय कहाँ है? शिलांग में है। श्रद्धा किससे है? नायक तो कामनी से है। फिल्म मुगले आजम का अखबार की भूमिका किसने निभाई थी? पृथ्वीराज कपूर ने। मुलीवर की यात्राओं के राक्षसों को देश बताया था क्योंकि ब्रोविन गांग ने। 27 जुलाई 1904 में जहांगीर टाटा का जन्म कहां से हुआ? तो पेरिस में हुआ था। आदित्य मत का खंडन नामक रचना के रचनाकार कौन? स्वामी दयानंद। प्रथम विश्व सिख विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया? लंदन में। प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहर नेहरू। मदर टेरेसा ने भारत में किस वर्ष मिशनरीज ऑफ चैरिटी के शासन का स्थापना? 1950। अब मेरा यहाँ से ख़त्म होता है प्रियोक्ता दर्पण का 7 जुलाई 2018। आप सभी लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल जो है अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और उसके साथ साथ हो सके तो शेयर करिएगा। मैं कोशिश करूँगा जितना अच्छा हो सकेगा जो अभी क्या नाम नेक्स्ट एग्जाम जो अभी करीब में है उससे अगर जब ख़त्म हो जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम तो एक एक विषय पर एक अच्छी अच्छी टॉपिक होगी और एक विस्तृत लेक्चर होगा
लेकिन फ़िलहाल जो एग्ज़ाम है इस वजह से एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम लोग ऑनलाइनर करके अब ताकि सबका काम हो सके ये आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम में। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जरूर देखें वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद, ओके, आप फुल एंजॉय लेते रहें।